हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर रायसनगर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब कोई स्टूडेंट्स ओनली टेली, वीजी या अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख के डायरेक्टली किसी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई करता है, यानी कि अपना रिज्यूम देता है, तो वहाँ पर इंटरव्यू में उसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेली, वीजी या किसी भी अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपने सीख रखा है, अगर आप अकाउंट्स के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए भी इंटरव्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी आप जरूर कर देना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड, ये वीडियो मैं अकाउंट्स जॉब के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल का Part-2 बना रहा हूँ। इससे पहले टेली बीजी के फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू एंड क्वेश्चंस का पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। वो वीडियो भी एक अकाउंट्स के या टेली बीजी के फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वो Part-1 का वीडियो नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो एक बार उस वीडियो के भी आप जरूर देख लें इस वीडियो को देखने से पहले। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे इंटरव्यू के टाइम में टेली से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे टेली क्या है, टेली के साथ .erp9 क्यों लगाया जाता है, टेली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है, टेली में हम लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, हम रिपोर्ट्स को कैसे देखेंगे, बैलेंस शीट हम कैसे देखेंगे, किस तरीके से बैलेंस शीट बनती है, तो ये सब इजिली जो टेली या बीजी से सॉफ्टवेयर से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, तो उन सवालों का जवाब तो आप बहुत ही आसानी के साथ दे दोगे, क्योंकि आपने टेली बीजी की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या फ्रेशर स्टूडेंट के सामने आती है, वो होती है जब उसे प्रैक्टिकल अकाउंट से संबंधित कुछ बातें अगर उनसे पूछ ली जाती है, तब। जैसे कि आप ये वाउचर देख रहे हो फ्रेंड्स, ये वही वाउचर है जो आपने इस वीडियो के थंबनेल पर देखा था। अगर आपके सामने, अब मान लीजिए आपने ABC ट्रेडर्स की कोई कंपनी है, वहाँ पर आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है, और वहाँ पर उस ABC ट्रेडर्स के कंपनी के मैनेजर ने आपके सामने ये वाउचर रख दिया, भी आप ये वाउचर देख के हमें ये बताओ भी इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, और इस वाउचर्स में से कितने लेजर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने स्पेशल केवल ओनली टेली बीजी या कोई अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख कर जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ये वीडियो उनके लिए बनाया है। अगर इस वीडियो को कोई प्रोफेशनल लोग या अकाउंट्स के परफेक्ट लोग इसको देख रहे हैं, तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या रहती है एक टेली के, बिजी के या अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने वाले फ्रेशर स्टूडेंट के साथ रहती है, क्योंकि उन्होंने जब किसी इंस्टीट्यूट में जब वो टेली, बिजी या अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो सीख रहे होते हैं, तब वहाँ पर केवल उन्हें एज पर बुक्स नॉलेज ही दिया जाता है, और रियल लाइफ में उनसे जो अकाउंटिंग करवाई जाती है, वो रियल वाउचर्स के साथ अकाउंटिंग करवाई जाती है। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जहाँ पर टेली के साथ साथ केवल मैनुअल अकाउंटिंग सिखाने से पहले डायरेक्टली वाउचर्स के साथ ही प्रैक्टिस करवानी शुरू करवा दी जाती है, जबकि उन्हें इस वाउचर्स का ये नहीं पता होता भी इस वाउचर्स हमें कितने लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, और इस वाउचर्स की जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अकाउंट्स के या टेली बीजी के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इस वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा भी इसमें से कितने लेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, और इस वाउचर्स की जर्नल एंट्री क्या बनेगी। तो अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सवाल बिल्कुल सिंपल है लेकिन इसका जवाब वो टेढ़ा है। तो फ्रेंड्स, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया मैनेजर द्वारा, वो यही पूछा गया है भी आप इस वाउचर्स की जर्नल एंट्री हमें बना के दिखाओ, और ये बताओ इसमें कितने लेजर आप क्रिएट करोगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसकी ये जवाब देंगे भी हमने इसमें से गुड्स सेल किया है, हम स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट्स को डेबिट करेंगे और गुड्स को हम क्रेडिट करेंगे। 99% स्टूडेंट इसी चीज़ का यही जवाब देंगे। अगर आपका भी यही जवाब है, तो आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना भी हमारा जवाब भी यही है, और इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा भी इसका सही जवाब क्या है। तो फ्रेंड्स, आपसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था भी इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी।
और आपने बता दिया कि हमने स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को ये गुड्स बेचे हैं। जो जिस कंपनी में आप बैठे हो उस कंपनी का नाम है ABC ट्रेडर्स, लेकिन इस वाउचर्स में ABC ट्रेडर्स का नाम कहीं नहीं है, न तो जो वाउचर सेल कर रहा है इस बिल को उसका नाम कहीं पे है और न ही इसमें वायर्स का नाम इसमें कहीं नहीं है ABC ट्रेडर्स का। यानी कि इसमें जिस पार्टी ने सेल किया है उस पार्टी का नाम है श्री गणेश एंटरप्राइजेस, और जो परचेजर है इसका यानी कि जिसको जिस पार्टी ने से गुड्स परचेज किया है उस पार्टी का नाम है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी। यानी कि ABC ट्रेडर्स का इस वाउचर्स में कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ABC ट्रेडर्स कंपनी का ये वाउचर है ही नहीं, पहली बात तो ये है। अब सेकंड बात रही बात इस वाउचर्स की जर्नल एंट्री बनाने की, तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें दो चीज़ का ध्यान में रखना है। पहली बात, हम कौन सी जगह पर हम बैठे हैं। मान लीजिए हम श्री गणेश इंटरप्राइजेस के ऑफिस में हम बैठे हैं, तो हम इस वाउचर से हम ये मानेंगे कि हमने स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को ये गुड्स है जो सेल किया है। अगर हम स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के ऑफिस में बैठे हैं तो हम ये समझेंगे हमने श्री गणेश इंटरप्राइजेस से ये गुड्स परचेज किया है। तो हम दोनों बुक्स की यानी कि हम दोनों कंपनियों की बुक्स की हम बात करेंगे, भी श्री गणेश इंटरप्राइजेस की बुक्स में इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी और स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की बुक्स में इसकी एंट्री क्या बनेगी। तो सबसे पहले हम इस वाउचर को एक बार देख लेते हैं कि इस वाउचर में हमें कितने लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे। ये इनवॉइस नंबर है इसका, ये इसके गुड्स की डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या आइटम हमने इसके परचेज करी है, ये इसकी क्वांटिटी है, ये इसके रेट हैं और ये इसकी अमाउंट है, और इसके CGST और SGST इसके यहाँ पर लगे हुए हैं टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ पर डिस्काउंट फ्रेट एंड फॉरवर्ड चार्जिंग वगैरह का भी जिक्र इसमें हुआ है। तो सबसे पहले हमें वाउचर्स को देखना है, जल्दबाजी में किसी भी सवाल का जवाब हमें नहीं देना है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे अगर हमने इस गुड्स को परचेज़ किया है यानी कि श्री गणेश इंटरप्राइजेस से अगर हमने गुड्स परचेज़ किया है तो हमारी बुक्स में इसकी एंट्री क्या बनेगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम हमारी बुक्स ऑफ स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की लेते हैं क्योंकि हम परचेजर हैं तो इसका मतलब हमने गुड्स परचेज़ किया है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी। इस वाउचर्स को भी हम साथ रखेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी गुड्स आइटम पे चलते हैं यानी कि शुगर और सरस घी, यानी कि दोनों ही प्रोडक्ट है वो किराना गुड्स के प्रोडक्ट हैं, और दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट है वो GST 5% का है और एक जो प्रोडक्ट है वो GST 12% का प्रोडक्ट है। और हमारी जो जनरल एंट्री इसकी जो बनेगी, तो सबसे पहले हम वाउचर इसकी डेट लगाएंगे और हम एक लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा भी किराना गुड्स GST 5% परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस वाउचर में दो तरीके की परचेज है और इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 3450 रुपये की है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा 3450 रुपये की, और ये 5% की वैल्यू है। और इसी तरीके से इसमें 12% का भी हमने गुड्स परचेज किया हुआ है, तो इसका भी लेजर हमें क्रिएट करेंगे कि किराना गुड्स GST 12% परचेज अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर इसकी 4880 रुपये जो टैक्सेबल वैल्यू है वो यहाँ पर हम लिखेंगे, और ये 4880 रुपये इसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ से आई है। तो इस तरीके से इनपुट CGST टैक्स, इनपुट SGST टैक्स, हमें ये दो लेजर भी हमें अलग से क्रिएट करने पड़ेंगे। ये जो हमें इस पे इनवॉइस पे टैक्स जो हमें चार्ज लग के आया हुआ है CGST को SGST का, दोनों का हमें अलग अलग लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। CGST का हम अलग लेज़र क्रिएट करेंगे और SGST का हम अलग लेज़र क्रिएट करेंगे। हमारी ये लिए परचेज है तो इसलिए हम इनपुट टैक्स का जिक्र हम करें, इनपुट CGST टैक्स और इनपुट SGST टैक्स, और फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस या फ्रेट के किराया भाड़ा जो हमें इस इनवॉइस में यहाँ पर लग के आया हुआ है वो हमें यहाँ से पता चलेगा। यानी कि एक लिखा हुआ लेस, लेस यानी कि मतलब यहाँ घट के आया हुआ है, और एड का मतलब यहाँ से ये जुड़ के आया हुआ है, तो ये किराया भाड़ा हमारे इनवॉइस में हमें जुड़ के है, इसका मतलब हमारा ये खर्चा है, और खर्चे एक्सपेंसेस हमारे सारे डेबिट होते हैं। तो हमने फ्रेट अकाउंट डेबिट को 50 रुपये से यहाँ से डेबिट कर दिया। उसके बाद टू ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि एज पर इनवॉइस के अनुसार हमें जो 90 रुपये 88 पैसे का डिस्काउंट हमें मिला है, यानी कि हमारी बिजनेस की ये इनकम हो रही है, तो नॉमिनल अकाउंट के अनुसार जो हमारे खर्चे होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं और इनकम जो होती है हमारी वो क्रेडिट होती है। तो हमने टू ट्रेड डिस्काउंट यानी कि हमने ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया हुआ है 90 रुपये 88 पैसे से, और टू राउंड ऑफ, राउंड ऑफ का मतलब जो हमारे पैसे होते हैं जो लास्ट के अंदर जो बच जाते हैं, जैसे 22 पैसे हमारे इनवॉइस के अंदर कम थे
या एक्सेस आ रहे थे, हमने इसको माइनस में, हमें लग के आया हुआ है राउंड ऑफ, तो हमने इसको भी माइनस में यानी कि क्रेडिट साइड में इसको लिखेंगे। और टू श्री गणेश इंटरप्राइजेज, हम गणेश इंटरप्राइजेज को हम क्रेडिट करेंगे 9,047 रुपये से, और एज पर इनवॉइस की जो वैल्यू है वो भी 9,047 रुपये है। तो जो सामान की जो वैल्यू थी इस इनवॉइस के अंदर वो थी 8,330 रुपये की, इसके अंदर हमारा 758 रुपये और 10 पैसे का जो टैक्स लग के आया हुआ है। अगर इन दोनों का अगर हम प्लस कर दें तो उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 9,088 रुपये 10 पैसे बनेगी, और इसमें 90 रुपये 88 पैसे में डिस्काउंट मिल चुका है तो वो इसमें से लेस होएगा। ये 50 रुपये का जो एक्सपेंसेस था यानी कि किराया बढ़ा था वो हमारा लग के आया हुआ है, तो वो 50 रुपये हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री ये बनेगी। और इसमें बात करें इसके लेज़र कितने क्रिएट होंगे, तो लेज़र हमारा एक तो GST 5% का लेज़र क्रिएट होएगा, GST 12% का प्रोसेस का अकाउंट है जो भी हमारा क्रिएट होएगा, इनपुट CGST क्रेडिट होएगा, इनपुट SGST क्रेडिट लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, फ्रेट का लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट का हमें लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, और राउंड ऑफ का लेज़र भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और श्री गणेश इंटरप्राइजेज का भी लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस वाउचर के अनुसार हमें टोटल 8 लेज़र हमें क्रिएट करने पड़ेंगे हमारी बुक्स में, चाहे हम मैनुअल काउंटिंग मेंटेन कर रहे हों चाहे हम कंप्यूटराइज्ड काउंटिंग मेंटेन कर रहे हों, तो ये 8 लेज़र हमारे हमारी कंपनी में क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अगर हम बात करें भी हमारी जो बुक्स है वो श्री गणेश इंटरप्राइजेज की, यानी कि हम सेलर हैं, हम गुड्स को बेचने वाले हैं, तो हमारा जो कस्टमर रहेगा फिर स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी रहेगा। अगर हम श्री गणेश इंटरप्राइजेज की तरफ से बुक्स मेंटेन करते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी, यानी कि बुक्स ऑफ श्री गणेश इंटरप्राइजेज। तो इसमें हम स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि अब स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी हमारे लिए कस्टमर है, और उसको जो इसकी इनवॉइस की जो नेट अमाउंट है 9,047 रुपये उससे हम डेबिट करेंगे। और हमारा जो खर्चा लगा हुआ था ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि हमने श्री गणेश इंटरप्राइजेज ने स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को डिस्काउंट दिया है, तो जिसने डिस्काउंट दिया उसका एक्सपेंसेस यानी खर्चे हैं, तो हम खर्चों को भी यहाँ पर डेबिट करेंगे, और 22 पैसे जो राउंडेड ऑफ होना है उसको भी हम डेबिट करेंगे। और उसके बाद श्री गणेश इंटरप्राइजेज की तरफ से ये जो सेल है, तो गणेश इंटरप्राइजेज की बुक्स में भी ये लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे, किराना गुड GST 5% सेल काउंट, किराना गुड GST 12% सेल्स काउंट, और ये आउटपुट CGST टैक्स, क्योंकि अब ये श्री गणेश इंटरप्राइजेज के लिए सेल हो रही है तो सेल पे जो टैक्स लगता है वो हमारा आउटपुट टैक्स लगता है। तो अब ये आउटपुट CGST टैक्स क्रेडिट होएगा, इसी तरीके से आउटपुट SGST टैक्स क्रेडिट होएगा, और ये फ्रेट को भी हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये श्री गणेश इंटरप्राइजेज की तरफ से ये एक लाइबिलिटी उसकी बन चुकी है, और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट रहती है। तो इसी तरीके से अगर हम दोनों बुक्स की अगर हम कंपैरिजन करें तो ये इसका कंपैरिजन रहेगा, यानी कि बुक्स ऑफ स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की अगर हम बात करें तो इस बुक्स में यानी कि स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी ने जो जो लेज़र डेबिट किए हैं वो श्री गणेश इंटरप्राइजेज उस उन लेज़र को क्रेडिट करेगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट चलेगा। और इसी तरीके से जो ट्रेड डिस्काउंट था वो स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक इनकम थी, तो वही जो ट्रेड डिस्काउंट था वो बुक्स ऑफ यानी कि श्री गणेश इंटरप्राइजेज के लिए एक एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को श्री गणेश इंटरप्राइजेज ने डेबिट किया हुआ है और स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी ने इसे क्रेडिट किया हुआ है, यानी कि हमारा जो भी डेबिट रहेगा वो हमारे जो सप्लायर्स हैं उनके क्रेडिट रहेंगे, और जो हमारे क्रेडिट है वो हमारे सप्लायर्स के लिए डेबिट रहेंगे। अगर बात करें इनके ग्रुप्स की भी कौन सा लेज़र किस ग्रुप में जाएगा, तो ग्रुप्स के हम ये हमारे लिए ग्रुप्स रहेगा। अगर हम बात करें स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से, तो यानी कि हमने किराना गुड्स GST 5% का परचेज अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसका अंडर रहेगा परचेज अकाउंट, इसी तरीके से GST 12% की जो हमारी परचेज थी इसका भी अंडर में रहेगा परचेज अकाउंट, इनपुट CGST और टैक्स इनका रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ये फ्रेट हमारे लिए खर्चा था तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे, और जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट था ये हमारी बिजनेस की इनकम है तो हम इसे इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे, राउंड ऑफ को भी हम इनडायरेक्ट इनकम में एक लेज़र क्रिएट करेंगे, और श्री गणेश इंटरप्राइजेज का जो हमारा सप्लायर है इसे हम रखेंगे सैंडरी क्रेडिटर्स में, क्योंकि जिससे हम सप्लायर्स जो हमारे होते हैं वो हमारे सैंडरी क्रेडिटर्स से होते हैं। अगर ये बात हम करें श्री गणेश इंटरप्राइजेज के बुक्स के अनुसार, तो स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है वो रह जाएगा सैंडरी डेबिटर्स,
ट्रेड डिस्काउंट है वो रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, राउंड ऑफ वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो इसी तरीके से किराना गुड जीएसटी 5% सेल है वो सेल काउंट में, किराना गुड जीएसटी 12% सेल्स का काउंट है वो भी सेल काउंट में रहेगा, और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहने वाला है, और फ्रेट अकाउंट है वो करंट लाइबिलिटीज में रहेगा, क्योंकि ये श्री गणेश इंटरप्राइज की तरफ से करंट लाइबिलिटीज है, ये भुगतान इसी को किराए वाले को भी अभी देना है। तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी आप जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे हमारा टेली के इंटरव्यू एंड क्वेश्चन का पार्ट 3 भी, इसके अलावा भी आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।